हेलो यस नमस्कार, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रोहित चतुर्वेदी आज फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द सुन न्यूज चैनल यूट्यूब पर। ये दिल्ली डॉट कॉम और ब्रांच जैसे कि जिस गाइस आप देख रहे होंगे हेडिंग हाउ टू फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ एंट्रेंस स्टेप। एंट्रेंस स्टेप की पर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, जब हम एंट्रेंस स्टेप में ब्रेक करते हैं, ब्रेक का ब्रेक पर से करते हैं एंट्रेंस स्टेप या फिर कॉपी से करेंगे तो फिर उसी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। जैसे गाइस आप देख रहे हैं इनका टॉपिक बनाया एंट्रेंस स्टेप का और टॉपिक में आप देख रहे हैं कि मेरे टोटल जो स्टेप्स आ रहे हैं ए वन से लेकर ए सिक्स तक और ये मेरा साइड बनाया जो कि ए वन से लेकर ए सिक्स तक है। इसमें जो राइज है मेरा 150 एम का, जो ट्रेड है मेरा 250 एम का और इसमें जो लेंथ है जो कि मेरा पूरी लेंथ है वो आपकी 2400 एम की है। ये टॉपिक और ये साइड टू है। गाइस क्या होता है कि एंट्रेंस स्टेप की बात करते हैं जब हम एस्टिमेशन निकालते हैं तो इसका भी इसकी भी अपन को क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। तो वो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालें, गाइस आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेड है मेरा, ये मेरा ट्रेड है वो कितने का है 250 एम का है। ये जो ट्रेड है आपका 250 एम का। अगर मैं A1 की बात करूं तो मैं A1 की जो क्वांटिटी निकालूंगा इसका सबसे पहले मोड मेजरमेंट की बात करते हैं तो मोड मेजरमेंट होता है इसका होता है मीटर क्यूब में, जिसमें मुझे लेंथ हाइट और विड्थ तीन डायमेंशन जरूरत पड़ती है। तो मैं यदि A1 की बात करूं तो लेंथ हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी और हाइट हो जाएगी। अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 मेरा कितना, सिर्फ इतना पोर्शन है तो A1 में जो ट्रेड है मेरा A, ये ट्रेड आप देख पा रहे हो ये कितने का मेरा 250 एम का। वैसे मेरी ये जो हाइट है ये जो राइजर है ये राइजर कितने का, ये मेरा राइजर है 150 एम का। लेकिन जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप ये तो मेरा साइड व्यू था, अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो इसकी मुझे लेंथ भी प्रोवाइड हो रही है जो कि 2400 एम की है, जिसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ का 2.4, विड्थ का भी मैं ले लूंगा इसमें से एक डायमेंशन जो कि हो जाएगा मेरा 2.025, 250 एम का ट्रेड है। और मैं हाइट की बात करूँ तो जो कि मेरा है राइजर जो कि मेरा 0.15। इस तरीके से तुम्हारा मीटर क्यूब में एक स्टेप का क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरीके से आपका A1 का निकल आया। अगर मैं बात करूं आप A2 की, A2 तो गाइस आप देख रहे हैं कि A2 मेरा जो है A2 ये जो A2 देख रहे हैं गाइस, ये जो ट्रेड था मेरा 250 एम का, अब यहाँ A2 में क्या हो जाएगा कि मेरा एक ट्रेड और एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक ट्रेड और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये जो मेरी विड्थ है ये मेरी हो जाएगी कितने की 250 प्लस फिर से 250 500 एम की हो जाएगी। तो मेरी जो विड्थ है वो 500 की हो जाएगी और लेंथ तो मेरी सेम ही रहेगी जो कि 2400 है। टॉपिक में मैं देखूंगा 2400 है। इसकी जो राइजर है वो हो जाएगी आपकी हाइट, तो लेंथ हो जाएगी मेरी 2.4 मल्टीप्लाई जो विड्थ हो जाएगी, बस एक चेंज होगी क्योंकि एक ट्रेड और इसमें प्लस हो गया तो इसमें हो जाएगा मेरा 0.5 मल्टीप्लाई जिसकी जो हाइट 0.15। इस तरीके से सभी मिनट में आ जाएगा गाइस। इसके नंबर ऑफ आइटम्स कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं क्योंकि एंट्रेंस स्टेप एक ही है, एंट्रेंस स्टेप इसका एक ही आइटम है। अब मैं बात करता हूँ A3 स्टेप की, तो A3 जो स्टेप है अब इसमें भी आप देखिए गाइस, आपने जो यहाँ पर 250 निकाला था यहाँ तक का 250 निकाला था, लेकिन इसमें भी आपके एक ट्रेड और प्लस हो रहा है तो ये जिसकी जो विड्थ है ये हो जाएगी मेरा कितना 500 प्लस 250 750 एम एम की। तो मैं A3 की बात करूँ तो मेरी विड्थ इसमें चेंज होगी जो कि 750 एम एम है, लेंथ तो सेम रहेगी 2.4 और जो मेरी विड्थ है वो रहेगी 750 मतलब 0.75 मीटर और उसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी आपकी 0.15 मीटर। इस तरीके से आप A3 के निकाल चुकेंगे तो जो कि आपकी जो मोड ऑफ मेजरमेंट यूनिट आएगी वो आपकी मीटर क्यूब में आएगी। अब मैं इसकी बात करूँ A4 की, तो A4 की जो कॉन्क्रीट क्वांटिटी जो निकालोगे इसके लिए भी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी सेम। अब इसमें भी A4 की बात करें तो यहाँ तक तो भी मैंने 750 निकाल लिया था, इसमें भी एक ट्रेड और प्लस हो रहा है तो जो कि हो जाएगा मेरा 750 प्लस 250 कितना हो जाएगा 900, 750 प्लस 250 आपको हो जाएगा 1,00,000। जो कि गाइस अगर मैं A4 की क्वांटिटी निकालूं तो 2.4 तो मेरी लेंथ हो गई है, आप देख पा रहे हो कि A4 में यहां तक तो मैंने निकाल चुका था 750 था, इसमें और एक ट्रेड स्टेप मतलब एक ट्रेड और प्लस हो जाएगा तो मेरा यहां तक तो था 750 और ट्रेड है मेरा 250 एम का, तो 750 प्लस 250 कितना हो जाएगा 1,000। तो मेरी लेंथ है वो हो जाएगी मेरी जो विड्थ है मेरी वो एक मीटर हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी हाइट से, हाइट मीन्स जो राइजर है ए राइजर मेरा 150 एम का। अब मैं बात करूँ A5 की बात करता हूँ तो गाइस इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक का तो मैंने डायमेंशन से निकाला था वो आप निकाल चुके हो एक मीटर निकाल चुके, इसमें भी आपका एक ट्रेड और प्लस हो रहा है ए वाला ट्रेड तो मैं यहाँ तक आ जाऊँगा। तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी 1,000 तो हम निकाल चुके थे यहाँ तक ऊपर तक, तो यहाँ पर जो आ जाएगा मेरा यहाँ तक मैं 1,000 निकाल चुका था तो 1,000 प्लस 250 और ये स्टेप एक ट्रेड ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा मेरा 1,250 एम एम, तो मेरी विड्थ हो जाएगी 1,250 और लेंथ मेरी सेम रहेगी 2.4 मल्टीप्लाई 1,250 एम 1.250 मल्टीप्लाई इसकी जो हाइट रहेगी वो 150 एम की रहेगी क्योंकि राइजर है यहाँ पर आप राइजर देख रहे होंगे।
इस तरीके से फाइव निकला है। हमें A6 की बात करूँ तो A6 में भी सेम फॉर्मूला रहेगा। जैसे यहाँ तक तो मैं निकाल चुका हूँ, जो मेरा कितना 1250 है, इसमें 250 एम और मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 1500 एम हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा है राइजर तो तुम्हारा जो बिल्ट हाइट है वो हो जाएगी तुम्हारी 150। तो लेंथ और हाइट तो सेम ही रहेगी 2.4, ये बस चेंज हो जाएगी जो कि हो जाएगी आपकी 1500 एम, तो हो जाएगी 1.5 मीटर। और इसकी जो हाइट है मेरे 0.15। इस तरीके से मीटर की मैं अपने सारे के सारे स्टेप्स की निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 सब की मीटर की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें चाहे आप ब्रेकर कर सकते हैं और चाहे इसमें कॉन्क्रीट क्वांट निकाल तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। गाइस बस इंटर सिस्टम में अब इतनी कहानी है, इसे कॉन्क्रीट कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ब्रेक की निकाल रही हूँ। वैसे तो ब्रेक पर की जाती है ज़्यादातर मैक्सिमम इंटर सिस्टम। तो गाइस आप देखा किस तरीके से इसकी आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आई होप, मैं उम्मीद भी करता हूँ आपको इस समय में भी आया होगा। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।